पुण्यात्मा भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर बड़ा यानी कोई प्रभु स्वामी देव नहीं मानता। मेरी आध्यात्मिक जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार दुर्गा ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा मानता है श्री विष्णु जी कह रहे हैं। अपुण्य आत्माओं, ब्रह्मा जी, नारद और व्यास जी, व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण, वेद एंड गीता, चारों वेदों का और 18 पुराणों का और श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी सदग्रंथों का व्यास जी ही राइटर है, लेखक है, ये वक्ता नहीं है। इसने जैसा भी जिससे सुना एज इट इज इसमें लिख दिया, और इन सभी का ज्ञान आपके समक्ष है कि वो विष्णु को सर्वेश्वर मान रहे हैं। और विष्णु जी क्या कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं जानता, और वेदों में दुर्गा की पूजा का नामो निशान नहीं। वैसे तो जानकारी वेदों में सभी शक्तियों की होती है, लेकिन फाइनल जो किया जाता है वो पूर्ण परमात्मा के ऊपर ही वेदों ने निष्कर्ष दिया है कि वो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म अमर पुरुष ही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, उसी की पूजा से जीव को सतलोक शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। अब विष्णु जी तो कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई प्रभु नहीं, और दुर्गा कह रही है सभी और पूजाएं त्याग के अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए कहती है, और फिर कहती है कि सब बातों को त्याग कर केवल एक ओम नाम जाप करो। और वो कह तो ये रही है कि तुम अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे, अक्षर ब्रह्म ने अविनाशी परमात्मा, और फिर घुमा फिरा कर लास्ट में कहती है ओम का जाप करो ब्रह्म प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी ऐसे सिद्ध होगी, सत्य सिद्ध होगी कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन जो वेद पढ़ते रहे उसका सार माने निष्कर्ष यथार्थ रूप में नहीं समझ सके और वो अज्ञानी रहे। अब विष्णु ने जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता स्वामी मैं नहीं मानता ना जानता। मेरी जानकारी में भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब दुर्गा जी क्या कहती है पढ़िए 562 पृष्ठ पर, ये देखिएगा 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562, और यहाँ से दुर्गा देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी पहले कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने विषय में बता रही है, फिर कहती है नहीं अब उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब देखना ज्ञान ध्यान से पढ़ना पुण्यात्मा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है,
जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब ध्यान से देखना, यहां तो दुर्गा जी अक्षर ब्रह्म को डिफाइन कर रही है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। तत्व अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब यहाँ तो परम अक्षर ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म की बता रही है अविनाशी परमात्मा को। आगे क्या कहती, सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म यानी अक्षर माने अविनाशी होता है वैसे तो, लेकिन ये अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म वास्तव में परब्रह्म की तरफ संकेत है इसका। और फिर क्या कहती है, प्रवण ओम धनुष है, यानी ओम तो जाप का मंत्र है ये प्रणव, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। इवागी ब्रह्म का ऊपर है, या अक्षर ब्रह्म और ये ब्रह्म। अब कहती है ओम जाप करो, ये महिमा तो अविनाशी परमात्मा की सुना रही है और आखिर में मंत्र और इस ब्रह्म का बता रही है। ये सारे नौ विचलित हैं अभी तक, देखना। एकमात्र उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, अपनी साधना को भी परित्यज करने के लिए, परित्याग करने के लिए दुर्गा कह रही है, केवल उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब पूजाओं को बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। वह अंतर्यामी रूप से वर्तमान है इस आत्मा का। अब यहां वैसे तो परमात्मा आना चाहिए था, ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान अंधकार से परे, अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है। अब आगे ब्रह्म पे, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम जाप कर ब्रह्म को पा जाओगे, और वो रहता कहाँ है, ये 563 पृष्ठ अब हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपुन आत्माओं, अब दुर्गा के ज्ञान का अंत आ गया, ये ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं जानती, और कदे अक्षर ब्रह्म कह रही है कहीं पर ये ब्रह्म को, ब्रह्म का जाप करने को, और ओम नाम इसके ये फाइनल बता रही है। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके एक प्रेतवत बोल रहा है। ये क्या कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम के जाप से जो फाइनल लाभ होना है उसको प्राप्त हो जाओगे, वो परम गति। और गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में
ये स्पष्ट करता है कि ये ज्ञानी आत्मा कौन, जिन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए ही मिला, इसका और कोई यूज नहीं। और उन्होंने ये भी समझा कि एक परमात्मा है पूर्ण, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की साधना से ही मोक्ष होगा, अन्य देवी देवताओं की पूजा से जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने सब निष्कर निकाल लिया और अंत में उनको पूर्ण गुरु मिले नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल कर ओम नाम के जाप को परम अक्षर ब्रह्म का मान के और आजीवन हठ योग सब कुछ किया, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ, अन्य सिद्धियां आ गई, उसका और लाभ हो गया। तो जिस कारण से गीता ज्ञान दाता सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी अच्छी आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली यानी ब्रह्म तक ही साधना करते रहे, ब्रह्म से मिलने वाला जो परम गति है ओम नाम के जाप से वो क्या है, अभी आपने देवी भागवत में पढ़ लिया कि वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो गीता ज्ञानदाता सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता हुआ अंतिम श्वास तक साधना करता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वृत्ति में हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 5, 9 और 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में है, ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी होते हैं, तू जानता नहीं मुझे पता है, इतना अंतर, यानी मैं भी नाशवान हूँ। इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष सर्वन नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं का विशेष व्याख्यान है, भिन्न भिन्न क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। एक सर्वपुरुष, इसको सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये तो 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिए कि दो प्रभु हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर पुरुष का अर्थ है कि जैसे इस ब्रह्म की तुलना में ये काफी स्थाई है लेकिन इसका भी नाश है, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, ये लोक तरमावि से विवृति अवैश्वर है, वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक प्रभु तो इन दोनों से सर्वपुरुष यानी ब्रह्म से और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी कोई और है, और ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो फिर बताया कि उत्तम पुरुष तो इनसे भी न्यारा है और वही परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभु है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सारे जातम ज्ञान को समझकर सभी कर्मों से परिचित होकर के प्राणी फिर कभी और किसी वस्तु की डिमांड ना करके केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और